जहां तक साध्वी प्रज्ञा का सवाल है, एक फर्जी केस बनाया गया था हिंदू टेरर के नाम से, भगवा टेरर के नाम से, दुनिया भर में भारत की संस्कृति को बदनाम करने का प्रयास किया गया था। जब कोर्ट की अदालतों में केस चला, इसको फर्जी पाया गया, दो केस के अंदर सब बरी हो गए। सवाल तो वो है कि समझौता ब्लास्ट में स्वामी असीमानंद और बाकी सारे लोगों को एक्यूज बनाकर फर्जी केस रजिस्टर किया, तो समझौता ब्लास्ट करने वाले लोग कहां हैं? जो पहले पकड़े गए थे वो एक्यूज को किसने छोड़ा? जिन्होंने पहले पकड़े हुए सच्चे एक्यूज को छोड़ा है वो टेररिज्म का सपोर्ट करने वाले लोग हैं, हम नहीं है। देश की जनता जानना चाहती है कि समझौता ब्लास्ट जिसने किया था वो लोग कहां गए, जिसको उस वक्त सीबीआई ने पकड़ा था। अमेरिकन एजेंसियों ने भी स्पष्ट किया था कि लश्कर ए तोयबा का कृत्य है, आज वो लोग कहां है, किसने छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया, इनकी जिम्मेदारी है या नहीं है, ये देश की जनता जानना चाहती है।